तालियों के साथ सभी से निवेदन है मेरा कि तालियों के साथ हमारे विशेष मान्य गण जो अभी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मान्य श्री ओपी धनखड़ जी भूल सकता है भावभीनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को जिनकी वजह से हम आज सर उठा के जी सकते हैं। एक ऐसा क्षण है जब हमारे साथ हमारे माननीय विशिष्ट मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री ओपी धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा परिवार से। तालियों की गड़गड़ाहट प्रस्तुत करें हमारे मुख्य अतिथि जी को और तालियों के साथ हम भी स्वागत करें इन क्षणों का स्वागत करें। के साथ तालियां रुकी नहीं चाहिए तालियों के साथ उनका स्वागत करें माइक पे माननीय ओपी धनखड़ जी। तुमने दिया देश को जीवन देश तुम्हें क्या देगा ये लाइन रामधारी सिंह दिनकर जी ने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि है हुसैनीवाला में। राजगुरु 22 साल के थे भगत सिंह और सुखदेव 23 साल के थे। जिसमें भगत सिंह के गांव गए उसमें सुखदेव के घर भी गया था। दो कमरों का मकान है केवल लुधियाना में थापर मोड़ उस समय एक विचारधारा रखते थे और उस विचारधारा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। जैसे रामधारी सिंह जी ने दिनकर से मैंने बात शुरू की थी जब उनकी समाधि पे गए तो मिट्टी का टुकड़ा उठा के उन्होंने दो लाइन लिखी थी तुमने दिया देश को जीवन देश तुम्हें क्या देगा अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा देगा नाम तुम्हारा। अगर भारत को भारत बना के रखना है भारत को अगर मजबूत भारत रखना है तो इन शहीदों के नाम से इनकी विचारधारा से इनके विचारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम जब वहां गए तो मेरे साथ 100 नौजवान थे एक नारा लगा रहे थे शहीदों थारी सोच पे पहरा देंगे ठोक के कि तुम्हारा जो चिंतन है तुम्हारा जो विचार है हम उस विचार के साथ खड़े होंगे वही भारत का विचार है भारत के विचार के साथ खड़ा होता है। आजादी को मिले 75 साल हो गए नई पीढ़ी को अगर हमने ये नहीं बताया और इन आजादी के तीर्थों के दर्शन नहीं कराए तो वो जान नहीं पाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी रंगीन चीजें हैं कि इन तक पहुंचना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं 2010 में इजराइल गया था आज मैं भी दोबारा नहीं गया था एक बार मंत्री बनने के बाद। उन्होंने अपना एक म्यूजियम बनाया है होलोकास्ट म्यूजियम एक करोड़ यहूदी थे दुनिया में 60 लाख यहूदियों को मार दिया था हिटलर ने ज्यादा मारा जर्मनी में एक साथ मारा गैस चैंबर्स में घुसा घुसा के इसलिए होलोकास्ट जैसा शब्द ये प्रचलित हुआ है। जब मैं वो देखने गया तो जमीन के नीचे बनाया हुआ था। मैंने पूछा कि आपने जमीन के नीचे क्यों बनाया उन्होंने कहा कि हमारे बुरे दिन थे और हम अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि हमारे बुरे दिन थे और हमने अपने बुरे दिनों को भुला दिया तो हमारे बुरे दिन फिर से आ जाएंगे। ये बात मैंने इजराइल से सीखी हम अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं हमारे बुरे दिन थे हमारी गुलामी भी हमारे बुरे दिन थे जलियांवाले बाग जैसे में हजारों लोगों को एक साथ गोलियों से खून दिया गया था चाहे जैसे भगत सिंह जैसे नौजवानों को फांसी चढ़ा दिया गया था चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवान को अल्फ्रेड पार्क में मार दिया गया था कितने जुर्म हमने सहे थे 3,27,000 लोग इस देश की आजादी के लिए मरे थे। यहां भी भरतनगर का नवाब झज्जर का नवाब राजा नहार सिंह हांसी के लाला फकीर चंद जैन को उनके घर के सामने फांसी में लटका दिया था। सोनीपत के उद्यमी राम को पेड़ पर ऐसे लटका दिया था 35 दिन बाद मरा था किले ठोक दी थी वो हमारे बुरे दिन थे। उन बुरे दिनों को भूल मत जाना हमारे बुजुर्गों ने
जो है 90 साल लड़ाई लड़के आजादी दिलाई थी, जिसका 75 साल बाद हम मजा ले रहे हैं, रंग बिरंगे कलर्स में हम बैठे, मैं यह भाषण कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ये आनंद का पर्व किसी ने दिया है, उसके लिए एक पंक्ति लिखी है आजाद हिंद फौज के एक स्मारक पर, जहाँ 26,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, मैं एक पंक्ति लिखी है, याद रखना जब घर जाओ तो बताना हमने अपने आपके सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान किया है। उन्होंने अपना आज बलिदान किया था हमारे सुनहरे इस कल के लिए जिस कल को हम जी रहे हैं। इसलिए ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। आजादी के इस पर्व में मैं एक बात और 75वें साल में एक बात और कहकर आपके क्रिकेट की बात कह रहा हूं। जब मैं इजराइल के होलोकॉस्ट म्यूजियम से बाहर निकला तो वहां ऐसे पेड़ लगे हुए थे जैसे निशान जी ने यहां लगाए हुए, हर पेड़ पर एक नाम था। मैंने पूछा ये किसके नाम है, उन्होंने कहा ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने हम यहूदियों को बचाया और दुनिया भर से हम इनके नाम ढूंढ लाए हैं और अब हम इनको मरने नहीं देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात थी है और वो अब उनको जिंदा रखे हुए हैं। एक आदमी ने सबसे ज्यादा लोग बचाए थे, उसका नाम सिमलर था, सिंडलर लिस्ट करके एक फिल्म भी है, देखना आप हिंदी में भी डब रहेगा, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी आपको। हजारों यहूदियों को बचाया था उसने, आज उसके नाम से उन्होंने अपना गोत्र बना लिया है, 10-12 हजार सिंडलर्स यहूदी है। मुझे ध्यान में आया कि कमाल के लोग हैं, केवल अपने लोगों को याद नहीं रखे हुए, उन लोगों को भी याद रखे हुए हैं जिन्होंने इनको बचाया था, इनके लिए कुछ किया था। अभी मेरे परिचय में आपके परिचयकर्ता बंधु बता रहे थे कि मुझे मोदी जी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा और मिट्टी पूरे देश में इकट्ठे करने का काम किया। इस काम के लिए मैं अंडमान निकोबार कालापानी गया था, अभी भी गया था, 139 लोगों को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव में। जब मैं उस समय गया था तो पहली बार मुझे एक ऐसी जगह ले जाया गया जिसको मैंने पढ़ा नहीं था, इतिहास में कहीं मुझे वहां के सांसद थे वो बैठा कर एक स्टीमर में मुझे ले गए टापू पर, कहा कि वाइपर टापू है। जब अंग्रेजों ने काला पानी में जेल नहीं बनाई थी सेलुलर, तो अंग्रेज झांसी की रानी की सेना के 200 लोगों को यहाँ लेकर आया था। यहाँ कोई जेल नहीं थी, उनको पैर पीठ से और पैर से बांध दिया जाता था, जिसको चेन गैंग जेल कहते हैं। आज गूगल पर सर्च करना चेन गैंग जेल, आपको इतिहास में नहीं पढ़ाई, आज गूगल पर खोजना वाइपर टापू, आपको इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। 736 लोग बाद में यहाँ लाए गए थे, कराची से जत्था आया था, यहाँ महिला जेल थी, पुरुष जेल थी, 86 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी, फांसी दर। मैं बहुत हैरान हुआ है, इजराइल के लोग उनको याद रखे हुए हैं जो उनके नहीं थे, और मैं उनको भूल गया, हम उनको भूल गए जो हमारे लिए थे और हमारे लिए बलिदान हुए। उस जेल में पुरी के राजा थे, मणिपुर के राजा थे। खेल जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं, खेल हमको टीम के साथ काम करना सिखाते हैं, मिलकर काम करना, खेल हमको हारना सिखाते हैं, केवल हारना नहीं सिखाते, रेस्पेक्टफुली हारना सिखाते हैं, और केवल उतना नहीं सिखाते, खेल हमको हारने के बाद फिर से खड़ा होना सिखाते हैं। खिलाड़ी जो ही हारता है कपड़े झाड़ के खड़ा होता है, हाथ मिलाते हुए कहता है अगले मैच में देख लूंगा, यही सीक्रेट जिंदगी में चाहिए, कभी हार मत मानना, अगले मैच में देख लूंगा। खेल की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगले मैच में खेलने के लिए तैयार रहना। खेलों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए। एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा, आप बहुत धूप में हो, लेकिन जो धूप इन लोगों ने सही है ये उससे कम है। पूरी जिंदगी के 64 टन भूख हड़ताल थी, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की कैदियों के साथ भेदभाव नहीं हो, पानी के घड़े में भी दूध भर देते थे कि दूध पियेंगे तो भूख हड़ताल टूट जाएगी, बिना पानी पिए रहते थे ये लोग कई कई दिनों तक। ऐसे लोगों के याद में आप कार्यक्रम कर रहे हो, थोड़ी सी तकलीफ इसलिए मैंने कहा झेल लें, जरा महसूस हो कि कैसी कैसी तपती धूप में इन लोगों ने काम किया था देश के लिए। मैं 2011 में गुवाहाटी गया था, पहली बार मैं गुवाहाटी 87 में गया था, दूसरी बार 88 में गया। बहुत विभेदकारी चीजें चलती थी, कई आंसू का एजिटेशन था, कई बोडोलैंड के एजिटेशन थे, अलगाववादी चीजें बहुत जोरों पर थी, और सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट को समझ के लगता था कि कितनी अलगाववादी चीजें यहाँ चल रही हैं। लेकिन 2011 में भी मैं वहां था, चुनाव में था, एक जिला मुझे देखने के लिए दे रखा था मेरी पार्टी ने। शाम को समय गुवाहाटी में मीटिंग थी, उस दिन वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा था, विश्व कप का मैच था आखिरी। गुवाहाटी में जगह जगह लोगों ने जो है टीवी लगा रखे थे, बाहर स्क्रीन लगा रखे थे, बैठ कर देख रहे थे, और उस दिन भारत की टीम जीत गई
और मुझे 2011 की रात को पूरी गुवाहाटी को भारत की जीत पर जब नाश्ते में देखा, मुझे लगा कि खेलों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश की एकता और अखंडता के लिए। अच्छे खिलाड़ी बनो, खिलाड़ी बहुत ऊंचे तक जा सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, सचिन की तरह भारत रत्न हो सकते हैं, बहुत ही ऊंचाइयों पर नेता नहीं जा सकते। नेता तो जब खिलाड़ी जीत के आता है तो उसमें एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं। तो आप बहुत ऊंचे तक जा सकते हो इस खेल के जज्बे को बनाए रखना और ऐसा खेलना कि हम आपको कॉलम इस पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लेने के लिए आया करें कि आज फला मैच जीत कर आए हैं। इसी शुभेच्छा के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे वंदे। ओपी धनखड़ साहब जो वास्तव में एक धरती पुत्र हैं और मुझे सौभाग्य मिला है पिछले करीब एक वर्ष से उनको करीब से जानने का, और मैं हर बार आश्चर्यचकित होता हूँ उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज से, एक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग से कि हर चीज में, फिलॉसफी में हो, जीवन के किसी भी पक्ष की बात हो, इतिहास की बात हो, किसानों के हित की बात हो, तो जो डीप अंडरस्टैंडिंग भाई साहब को मिली है और जो डेवलप किए भाई साहब ने, ये बहुत चिंतन मनन मंथन और समझ से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए बहुत हर बार आश्चर्यचकित करने वाली होती है। मेरी भी रुचि रही है फिलॉसफी में, समाज को समझने में, और मैं भी इन मुद्दों से थोड़ा बहुत लगाव रखता हूँ। बट जैसा कि भाई साहब की अंडरस्टैंडिंग है और जो सोच है और जो गहनता है वो वास्तव में हम सब के लिए प्रेरणादायक है, स्पेशली आज की यूथ के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और जो संघर्ष गया है, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संघर्ष किया है, स्पेशली जो अपने कम उम्र में जैसे भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जी, तो इन लोगों ने संघर्ष किया, सुभाष चंद्र बोस जी, आप देखिए हर एक की जीवनी से आपको समझने का, सीखने का, इंस्पायर होने का और उसको मौका मिलेगा और अपने लाइफ में इम्बाइब कीजिए। मैं जब छोटा था तो मैंने इनकी कुछ कुछ जीवनियां पढ़ने की कोशिश की थी। इवन आप महाभारत में जो कर्ण हैं, महाभारत के दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में समझिए। और स्वामी विवेकानंद जी से तो जितना सीखने और समझने का आपको मौका मिलेगा और उसका तो कोई सानी नहीं है। तो मैं आप इन चीजों में आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा और मैं ये मौका है कि भाई साहब का आदरणीय परम आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिनका हमें पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है, हमें हमारे मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, और उनसे जो आज उन्होंने टाइम निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।